नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बफर स्टेट है क्या। बफर स्टेट इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ राज्य। तो देखिए दोस्तों, दो शत्रु देशों के बीच में जो स्थित देश होता है उसी देश को कहते हैं बफर स्टेट। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, दो शत्रु, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, दो दुश्मन देशों के बीच में जो स्थित देश होता है उसी को कहते हैं बफर स्टेट, अंतस्थ राज्य हिंदी में बोलते हैं। जैसे दोस्तों इधर चीन है, ये तिब्बत का भाग, हमने यहाँ लिखा है कि 1950 में लगभग जो है वो चीन का कंट्रोल तिब्बत पर हो गया। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं ये सब चीन का एरिया है, और ये चीन है दोस्तों, और ये नीचे में भारत है, और बीच में स्थित जो देश है ये आपका नेपाल है, और नेपाल बीच दो शत्रु देशों के बीच में आ रहा है, इसीलिए नेपाल बफर स्टेट कहलाएगा। बफर स्टेट से एक फायदा है दोस्तों कि जो शत्रु देश होते हैं उन दोनों के बीच में बफर स्टेट के होने के कारण शांति स्थापित होते हैं। तो इसी तरह के छोटी छोटी जानकारियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो किसी पे शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।